लाखों करोड़ों दुरुदो सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र एजाज के साथ मैं एजाज। आज आपने मेरी ये छोटी सी जो वीडियो है तकरीबन 3 मिनट की होगी, लाजमी देखनी है, क्योंकि बहुत सी बहनों ने मुझे ईमेल की है, फ़ोन आए हैं, उनके व्हाट्सअप पे मैसेज आए हैं कि जो बच्चियों के रिश्तों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप उनके लिए कोई वज़ाइफ बता दें। तो उनके लिए मैं आज वज़ाइफ बताऊँगा, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, यानी कि बेल का बटन लाजमी दबाना है, ताकि दीनी मालूमात आपके पास फौरन से फौरन पहुंच सके। जो बहनें अपनी बेटियों के लिए घरों में परेशान बैठी हैं, उनके रिश्ते अच्छे मुनासिब नहीं आ रहे, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो ऐसा करें, अगर तो बेटी खुद पढ़े तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ती तो फिर माँ पढ़ सकती है। आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले कोई भी एक टाइम मखसूस कर लेना है। मखसूस करने के बाद आपने 21 दिन के लिए यह वजीफा करना है। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 319 मरतबा आपने सूरत अल अमरान की पहली 3 आयतें पढ़नी है, यानी कि आप 3 दफा पढ़ेंगे आयत को, पहली, दूसरी, तीसरी को, एक आयत को पढ़ेंगे 3 दफा और एक गिनेंगे। मैं दोबारा आपको वजाहत कर दूं कि पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, तीनों आयतें पढ़ेंगे और एक दफा गिनेंगे। इस तरीके से आपने 319 मरतबा पढ़नी है। अगर तो आपके घर में रिज़्क़े हलाल है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से पहले हफ्ते के अंदर ही आपके लिए मुनासिब रिश्ता बेटी के लिए आ जाएगा, नहीं तो 21 दिन के अंदर हर सूरत आपकी बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता आएगा। लेकिन बात एक है कि आपने अपना तवक्कल अल्लाह पे पूरा रखना है, आपके दिल में किसी किस्म के शकूक व शुबहात नहीं आने चाहिए।